ओके सो हे गाइस, दिस इज मैं सचिन। आज के इसमें बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के बारे में यार, प्लेसमेंट रियलिटी और प्लेसमेंट डिप्लोमा के यार, जितनी भी प्लेसमेंट्स है हमारे सभी को मिला के यार हमने एक वीडियो तैयार किया है। अच्छी सारी चीजें यार मैंने आप सभी के लिए बनाई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस है सभी पॉलिटेक्निक को मिला के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, ये सभी के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार कि ये दिल्ली में वीडियो बन रहा है तो यार दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए ये सिर्फ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सभी स्टेट्स के लिए है, सभी ब्रांचेस के लिए है, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका सिविल हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका केमिकल हो गया, ये सभी ब्रांचेस को मिला के कंबाइंड एक रियलिटी वीडियो बनाया गया कि हमारी डिप्लोमा की जो प्लेसमेंट है यार वो किस प्रकार से होती है, राइट। एंड यार यहाँ पे अगर वीडियो के दौरान कुछ भी कोर्स के, अगर जो इस कोर्स के लिए जिस कौन सी चीज़ स्पेशल हो गया यार वो मैं बता दूंगा, राइट। तो वो वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपको ए टू जेड डिप्लोमा में परसेंटेज का क्या रियलिटी है, उस चीज़ को बारे में बात करेंगे, इन डेप्थ जा रहे होंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी टाइम वेस्ट करें। ओके सो आपके स्क्रीन पे ये आ रहा होगा यार, राइट। एंड यार अगर हम यहाँ पे चले तो ये सबसे पहले आपकी यार इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका ये डिप्लोमा प्रोग्राम जो है वो होता क्या है, राइट। तो यार यहाँ पे अगर हम करें तो ये है हमारा चीज। ओके सो यार डिप्लोमा के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है, व्हाट इज पॉलिटेक्निक एंड पॉलिटेक्निक क्या चीज होती है। सबसे पहले आप सभी को पता ही है आपका जो पॉलिटेक्निक होती है वो आपका वोकेशनल कोर्स होता है एक तरीके का, जो कि 3 ईयर्स के दौरान यार आपका प्रोग्राम होता है एंड प्रोग्राम होता है जिसमें कि आपको टेक्निकल नॉलेज की आपकी सारी चीजें दी जाती है, जो टेक्निकली आप सभी के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। एंड डिफरेंट स्टेट्स में यार ये डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स है आपके, जिस प्रकार से CBSE एक ओवरऑल होता है एंड प्लस में हर स्टेट्स के लिए अलग अलग सेंट्रल बोर्ड होता है 10th क्लास 10th क्लास 12th के लिए, तो उसी प्रकार से ये जो पॉलिटेक्निक है ये सभी ब्रांचेस एंड जो सभी आपके स्टेट है सभी के लिए अलग अलग है। झारखंड पॉलिटेक्निक हो गया, जैसे कि बिहार पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, ये जो 3 पॉलिटेक्निक है, यूपी पॉलिटेक्निक प्लस ये जो 4 पॉलिटेक्निक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया। बाकी अदर स्टेट्स के भी पॉलिटेक्निक है, राइट, उन सब चीज़ों को भी हमने इसमें इंक्लूड करा है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं वो सारे बहुत ही रेयर एंड सॉरी ये जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही स्पेशल कोर्सेज होते हैं एंड सबसे ज्यादा जो कंपटीशन होता है वो इसी कोर्स में होता है, राइट। एंड ये सारी चीजें थी। एंड यार ये जो पॉलिटेक्निक है ये टेक्निकली आप सभी के माइंड को पूरी तरीके से ट्रेंड कर देता है एंड आप सभी को यही मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपकी पॉलिटेक्निक एक्चुअल में होती क्या, राइट। एंड इसके अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यार इसकी रजिस्ट्रेशन अप्रैल के एंड में होता है। सबसे पहले आपका जो पॉलिटेक्निक ओपन होता है वो क्लास 10th के बाद ही होता है, जब आपका क्लास 10th का एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं, CBSE हो गया या अदर कोई भी स्टेट, तो उसके दौरान ही ये निकलता है, राइट। फाइनल एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ एंड स्टार्टिंग इसकी अप्रैल से होती है। हर स्टेट का अलग अलग अपने डेफिनेशन है, मतलब अलग अलग उसकी डेट्स है कि अपने हिसाब से ये हर स्टेट का अलग अलग है। वैसे अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करें तो वो जून के एंड तक होता है, इस मंथ के एंड तक ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिल्ली पॉलिटेक्निक पे मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा, वो DSU की तरफ है, DSU से रिलेटेड है। एंड आपका जो ये जितनी भी रजिस्ट्रेशन हो गया वो आपके ऑफिशियली वेबसाइट से होगी। सभी स्टेट की अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट होती है, अपने दिल्ली पॉलिटेक्निक जैसे हो गया, बिहार पॉलिटेक्निक का अलग हो गया, झारखंड पॉलिटेक्निक की अलग वेबसाइट हो गई, तो ये सभी गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिटेक्निक की अलग अलग ब्रांचेज है एंड सभी अलग अलग वेबसाइट्स होती है हर पॉलिटेक्निक के, हर स्टेट्स की अलग अलग, राइट। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस किस बेस पे होता है, एंट्रेंस बेस पे होता है। आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है, उसके बेस पे आपकी रैंक निकलती है, राइट। आपका पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा एंड फिर उसके बाद आपका यार रैंक जनरेट होगी, फिर उसके बाद आपकी जो ये रैंक आएगी उसके बेस पे आपको कोर्स मिलेगा एंड आपको फिर कॉलेज मिलेगा जो जो कोर्स आपको चाहिए, राइट। फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है, कोर्स मिलने से पहले आपको यार काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग से पहले उसकी उससे पहले रैंक आती है एंड रैंक के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपके यार कोर्स को आपको मिलता है, राइट। एंड अगर उसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको मात्र 10th पास चाहिए एंड विद इंग्लिश एंड आपका यार साइंस एंड आपका जो मैथ होता है, इन सब चीजों में ये बाइनरी नंबर होने चाहिए। मिनिमम जो इसकी परसेंटेज होती है वो 60% होती है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये बेसिकली हमारे प्लेसमेंट्स रिलेटेड है, तो इन्फॉर्मेशन पॉलिटेक्निक की आपको पता ही है, पॉलिटेक्निक होता क्या, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलने पे आप इस बात है कि भैया हमें प्लेसमेंट को क्रैक किस प्रकार से करना है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखना होगा। ये पहला जो है वो होता है थ्रू द कॉलेज, राइट। पहला जो होता है वो होता है थ्रू द कॉलेज। कॉलेज में आपकी कंपनीज आती है एंड आपका जो कॉलेज का आपका आपका जो TPO सेल होता है, राइट, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ सेल जो होता है उसमें आपकी कंपनीज की सारी लिस्ट आती है। एंड जो पहला कोर्स पहली जो स्टेप होता है यार पहला या जो ऑप्शन होता है प्लेसमेंट का वो आप सभी को बताइए, वो कॉलेज के थ्रू ही होता है, राइट। सेकेंड जो होती है वो होती है सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। अब ये सेंट्रल प्लेसमेंट सेल या प्लेसमेंट उत्सव क्या है भैया, देखो यार ये इस तरीके का एक तरीके का फेयर होता है, आपका प्लेसमेंट फेयर जो लगता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एंड आपका इस प्रकार से होता है फेयर। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, या प्लेसमेंट सेल की बात करें हम तो प्लेसमेंट सेल आपका कुछ इस प्रकार से होता है। प्लेसमेंट सेल कुछ यार इस प्रकार से आपका होता है, यहाँ पे अगर हम करें तो ये आपका प्लेसमेंट एक सेल होता है, राइट। आपका एक
कोई भी यूनिवर्सिटी, अगर हम दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करें राइट, तो DSU की बात करें, अगर हम DSU की बात करें, DSU मतलब कि दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली पॉलिटेक्निक जिसके अंडर आता है, तो रिसेंटली DSU ने स्टार्ट कराया, इसी साल स्टार्ट करा था कि एक कैंपस उन्होंने ऐसा पकड़ लिया जो कि मेन कैंपस एक तरीके का मतलब बड़ा कैंपस हो जिसका, एंड यार यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज को बुला लिया गया, एंड यार यहाँ पे इनका कहा कि आप कंपनीज लाइए, मतलब कंपनीज आ रही है, एंड सभी बच्चों को कहा गया कि हर एक ब्रांच के हिसाब से कि अपना जितना भी कोई भी ब्रांच हो एंड कोई भी कैंपस के हो, बस इसमें एक चीज़ बस याद रखना कि वो सारे का जो कॉलेज है वो DSU के अंदर ही रहने चाहिए राइट। तो वो सारे बच्चे क्या क्या गए वहाँ पे, एक कैंपस चुना गया, सेंट्रल कैंपस चुना गया जिसके कि एरिया आपका बड़ा था, जिसमें कि काफ़ी सारे बच्चे आ सकते थे एक टाइम पे राइट। तो वो था कैंपस आपका ओखला कैंपस 2 था राइट, ओखला कैंपस 2 था यार, एंड वो वाला जो था कैंपस वो काफ़ी बिग कैंपस था, इसी में सारी कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनीज आई, एंड इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाके देख लेना यूट्यूब पे रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट उत्सव करके, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये प्लेसमेंट उत्सव किस प्रकार से हुआ था, आपका सेंट्रल प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है राइट, विद फोटोग्राफ्स के थ्रू मैंने बनाया था, वो वीडियो जाके देख लेना। तो इस प्रकार के आपके सेंट्रल एक प्लेसमेंट सेल बनाया जाता है जिससे कि काफ़ी सारी कंपनीज आती है, एंड उसमें भी आप काफ़ी सारे जो कोर्सेज वाले बच्चे हैं एंड आपके जितने भी अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो राइट। जो थर्ड ऑप्शन आता है ये नया प्रोसेस है, ये शायद आप सभी को पता ना हो एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट्स, कि एक चीज़ होती है जो क्या होती है लिंक्डइन। अभी भैया लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन क्या है, तो यार एक प्रोफेशनल वेबसाइट एंड आपका कह सकते हो ऐप है जिसमें कि आपके जितनी भी प्रोफेशनल रिक्रूटर्स होते हैं वो सारे ही प्रोफेशनल लोग वहाँ पे रहते हैं। ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की तरह नहीं है, ये सोशल मीडिया नहीं है, ये एक प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है एंड वहाँ से आपको रेफरल मिलता है, पर्सनल नेटवर्क के थ्रू भी आप प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो राइट। अगर लिंक्डइन की बात करें तो मैं स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एडिटिंग करते वक्त मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, इस प्रकार का कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल है। यहाँ पे जाओ एंड यार यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ, अगर नहीं आ रहा समझ में कि किस प्रकार से प्रोफाइल बनानी है एक अच्छी वाली, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो बना दूंगा कंप्लीट एक लिंक्डइन पे कि किस प्रकार से डिप्लोमा एज अ डिप्लोमा स्टूडेंट आपको किस प्रकार से लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है एकदम वेल डन, जिससे कि आपको अगर किसी भी कंपनी में अप्लाई करो तो सिलेक्शन होने के वो रिज्यूम में बहुत ही ज़्यादा चांस होगा राइट। आपका जो फोर्थ ऑप्शन आ जाता है वो होता है प्लेसमेंट प्री प्लेसमेंट ऑफर, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानेंगे हम, ये होता क्या है एक्चुअल में इन डेप्थ, वो आगे की तरफ जानेंगे, बने रहिएगा वीडियो, अगर अभी मैं बता देता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हम आगे चलते हैं। आगे की तरफ अगर हम चले यार, तो आपका आ जाता है कि व्हाट इज इंटर्नशिप एंड हाउ वी गेट यू गेट द इंटर्नशिप वन, किस प्रकार से आपको इंटर्नशिप करनी है एंड इंटर्नशिप क्या होती है। इंटर्नशिप की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करें इंटर्नशिप होती क्या है, तो इंटर्नशिप यार एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको वर्क करना पड़ता है एज अ कल्चर, आपका जॉब लगने से पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, एक से दो मंथ के दौरान आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, कभी कभी कभार ये आपको अनपेड भी आपको मिलता है, मतलब कि ज्यादातर ये अनपेड ही मिलता है, एंड कभी कभार अगर कोई कंपनी अच्छी कंपनी है तो यार आपको स्टाइपेंड भी दे सकती है। इसमें बेसिकली आपको यार एक्सपीरियंस मिलता है, आपके जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपके कोर्स के हिसाब से जो आपका फील्ड होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाती है कि एक्चुअल में हम जॉब किस प्रकार से करेंगे राइट। तो उसकी एक से दो मंथ की ट्रेनिंग होती है या आपका कह सकते हो इंटर्नशिप, तो ये चीज आपको करनी है या नहीं करनी वो मैं आगे बताऊंगा, एंड अभी ये समझ लीजिए कि ये इंटर्नशिप होती क्या राइट। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो यार कभी कभार ये नॉन पेड भी होता है, मतलब विदाउट पेड भी होता है, एंड कभी कभार जो कंपनी ज्यादा अच्छी होती है वो आपको स्टाइपेंड भी दे सकती है, जीरो से स्टार्ट होता है स्टाइपेंड एंड 10,000 तक का स्टाइपेंड देता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज के हिसाब से आपका चलता है राइट। एंड अगर सेकंड बात करें फोर वेज टू गेट हाउ टू गेट द इंटर्नशिप, चार तरीके के होता है कि किस प्रकार से हमें इंटर्नशिप चाहिए। पहला जो तरीका होता है वो आपका कॉलेज थ्रू, आपका कॉलेज की तरफ से आपको एक लेटर मिलता है कि आप जाइए एंड यार बाहर जाके आप ट्रेनिंग करिए या वो सारी चीज़ें करिए जो कि आपका इन फ्यूचर जॉब में काम आएगा राइट। सेकंड जो ऑप्शन होता है सेम लिंक्डइन प्रोफाइल से आप काफ़ी सारी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो कि भैया हमारा ये वाला आपका हमारा एजुकेशन है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है दिस करके, एंड हमें आपकी कंपनी में जॉब एज अ इंटर्नशिप चाहिए, एक दो मंथ की इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपके उसमें है तो आप हमें प्रोवाइड करिए राइट। तो अलग अलग रेफरल्स को भेजना पड़ता है, अलग अलग रिक्रूटर्स को भेजना पड़ता है कि उस कंपनी में जो पहले से ही काम कर रहे हैं आपके जो सीनियर्स होंगे यार वो भी उसी में प्लेस होते हैं। अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे तो आपको काफ़ी सारे सीनियर्स मिलेंगे, आप वहाँ से उनसे बात कर सकते हो। जो थर्ड ऑप्शन आता है वो होता है आपका ऑफ कैंपस प्लेस इंटर्नशिप, जिस प्रकार से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होती है, ऑफ कैंपस के प्लेसमेंट पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी इन डेप्थ डिटेल में। अभी इंटर्नशिप की बात करें एंड प्लेसमेंट की गैप की बात करें तो अभी ऑफ कैंपस भी आपको इंटर्नशिप मिलती है। एंड यार थर्ड जो फोर्थ ऑप्शन होता है वो होता है इंटर्नशाला, इंटर्नशाला के आपके बारे में पता ही होगा, इंटर्नशाला एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स मिलेगी। अगर आप इंटर्नशाला वेबसाइट पे जाओगे तो यार यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है पहले, अगर मान लो कि मुझे एक चीज़ जाननी है, मुझे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई भी इंटर्नशिप चाहिए, तो यार यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी
ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो दो मंथ की आपकी इंटर्नशिप देती है, स्टाइपेंड भी देती है। जैसे आप देख सकते हैं 5000 पर मंथ के हिसाब से आपके स्टाइपेंड है या PHP डेवलपर एज अ कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स अगर हम खोले तो। इस प्रकार की आपकी जितनी भी इंटर्नशिप है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। समवॉट ये अब इंटर्नशिप दो तरीके से होती है, एक होती है यार वर्क फ्रॉम होम से एंड एक होती है ऑफलाइन, राइट। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा अनटिल एंड अनलेस अगर आप दूसरे ब्रांच से है, CS को छोड़कर, CS एंड IT वाले ब्रांच को छोड़कर अगर आप कोई और ब्रांच के हैं तो यार आपके लिए ऑफलाइन ऑन साइट जाने के लिए बेटर रहेगा। ऑन साइट अगर आप जाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड आपको नॉलेज भी ज़्यादा मिलेगी। अगर आप CS एंड IT के स्टूडेंट्स हो, आपके इस वाले दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स हो, तो यार आपका वर्क फ्रॉम होम भी चल जाएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं, आपको कोडिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज जरूरत होती है एंड आपका सारा काम लैपटॉप या PC पे बैठ के ही होता है। तो अगर आप CS एंड IT के स्टूडेंट्स हो तो वो वर्क फ्रॉम होम भी चल जाएगा अनटिल अनलेस, एंड अगर CS एंड IT के अलावा कोई और ब्रांच का स्टूडेंट हो तो आपका यार ऑफलाइन चलेगा, राइट। एंड ऑफलाइन ही या ऑन साइट, ऑफलाइन गए या तो ऑन साइट गए, दोनों बात बराबर है, ये ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा, राइट। एंड आगे की तरफ चलते हैं। अब भैया क्या हमें इंटर्नशिप लेना नेसेसरी है, तो ये इंटर्नशिप नेसेसरी होता है या नहीं है? देखो यार ऐसा कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर इंटर्नशिप नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिज्यूमे को बिल्ड करने के लिए होती है, आपके स्ट्रेंथ में काम आ जाएगा कि हमने, आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि भैया हमने जो है ना यार यहाँ से इंटर्नशिप करी है। रिज्यूमे में एक एक पॉइंट बन जाता है कि यार हमने दो मंथ की इंटर्नशिप करी है इस वाले ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो इस तरीके के आप का जो है रिज्यूमे स्ट्रेंथ बढ़ेगा एंड यार जो उसमें जॉब मिलने की परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार की ऐसा एज अ इंटर्नशिप आपका नेसेसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी होता है, बट यार आप सभी को करना ज़रूरी होता है ये। वैसे देखा जाए तो आपका स्ट्रेंथ होगा, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगा रिज्यूमे एंड यार आपके जॉब कल्चर के बारे में पता लगेगा कि इन फ्यूचर हम जॉब किस प्रकार से करेंगे हमारे फील्ड से रिलेटेड, राइट। अब बात करते हैं PPO की। जैसे कि मैंने पहले बताया था प्लेसमेंट मिलने का फोर्थ जो होता है वो होता है PPO। PPO क्या होता है? प्री प्लेसमेंट ऑफर। जैसे कि आप सबको पता है कि इंटर्नशिप, आप मान लो दो महीने की इंटर्नशिप कर रहे हो एंड आपका काम आपका पसंद आया उस रिक्रूटर को जिसने आपने दिया, राइट। उस कंपनी को आपका काम पसंद आया दो महीने में कि आप ये इंटरेस्ट दिखा रहे हो इस कंपनी में एंड आपका जितने भी इंटर्नशिप जो उन्होंने वर्क दिया इंटर्नशिप में आप वो कर भी रहे हो पूरे अपने लगन से, तो आपको क्या एंड उनकी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपके हिसाब से सारी अगर आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो अगर फिट बैठ जाती है तो यार ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको वो प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देते हैं। मतलब कि आपकी इंटर्नशिप दो महीने के बाद अगर ख़त्म हो रही है तो आपको डेढ़ महीने के आसपास या पौने दो महीने के पहले ही आपको यार कह दिया जाएगा कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लीजिए, अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप हमारे में ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जो कि ज्वाइन हुए हैं, जिनको प्लेसमेंट प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला है, तो मेरे जान पहचान में काफ़ी लोग हैं। तो अगर इस प्रकार के अगर आप काम करते हो अच्छी तरीके से इंटर्नशिप में तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि ये प्री प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है, PPO क्या होता है, राइट। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। हाउ द प्लेसमेंट प्रोसेस वर्क। अब प्लेसमेंट प्रोसेस वर्क कैसे करना है? हमने यार इंटर्नशिप कर ली, राइट, दो मंथ की इंटर्नशिप कर ली, अगर प्लेसमेंट ऑफर यहाँ तक प्री प्लेसमेंट ऑफर किसी को नहीं मिला तो वो काफ़ी कम बच्चों को ही मिलता है जो कि लगन से अपना काम करते हैं इंटर्नशिप में। अब इनको जिसको यार प्लेसमेंट ऑफर नहीं मिला उनके लिए प्लेसमेंट किस प्रकार से होती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट किस प्रकार से होती है, इस चीज़ में हम बात करेंगे, राइट। तो प्लेसमेंट यार आपका थर्ड ईयर में, आपका पता है कि थर्ड ईयर में आपका स्टार्ट होता है, आपका जो थर्ड ईयर का फाइनल एग्जामिनेशन होता है उससे ठीक एक दो हफ्ते या एक दो महीने पहले ही आपका प्लेसमेंट आनी कंपनीज आनी स्टार्ट हो जाती है। प्लेसमेंट जो होती है वो 3 से 4 राउंड्स में होती है कभी कभार एंड कभी कभार 2 ही राउंड में हो जाती है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज पे डिपेंड करता है एंड अकॉर्डिंग टू आपका कोर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो पहला जो 0 जो राउंड होता है इसमें कोई राउंड नहीं होता, पहला जो स्टार्टिंग जो होती है यार यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होता है, परसेंटेज के हिसाब से बच्चे छाटे जाते हैं कि किसके बच्चे की कितनी परसेंटेज, राइट। कंपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे देती है, जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है वो होती है 60% विद आपका यार सारे सेमेस्टर्स को मिला के भी, काफी कभार कुछ कंपनीज होती है कि सारे सेमेस्टर्स को मिला के लेती है एंड कुछ कंपनीज होती है जो कि पर सेमेस्टर के हिसाब से आपकी 60% लेती है, तो वो देख लेना, वो अपने अपने डिपेंड अपॉन द अलग अलग कोर्स के हिसाब से ये अपना होता है। एंड यहाँ पे जो बाकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे काफ़ी कबार या कुछ कंपनीज 10th की परसेंटेज भी मांग लेती है कि 60% कम से कम या 10th में उसकी होनी ही होनी चाहिए, राइट। तो ये अलग अलग कंपनीज के हिसाब से अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी एंड यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मेन याद रखना है यार, कुछ ज़्यादातर कंपनीज यार बैक वाले स्टूडेंट्स को नहीं लेती है। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक आ जाती है तो यार वो अपना उसमें परसेंटेज आपका प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो ये अगर आपके किसी की बैक आ जाती है तो बैक क्लियर कर लेना, ठीक है।
एंड अगर इसमें उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो गया, आपका नाम यार लिस्ट में आ गया, उसके बाद आपका आता है राउंड वन। यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट एंड रीजनिंग टेस्ट क्वेश्चन पेपर होता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। काफी कंपनीज यहाँ पे एग्जामिनेशन लेती है उसके एप्टीट्यूड टेस्ट की, बेसिकली जैसे आपका एप्टीट्यूड एंट्रेंस एग्जाम में होता है उसी प्रकार से होता है। एंड आपका कुछ आपका जो आपके कोर्स रिलेटेड होता है एंड कुछ आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। दो राउंड, दो तरीके का आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसको क्लियर करना पड़ता है। एंड कुछ कंपनीज यार ये भी नहीं लेती है, राइट? कुछ कंपनीज तो डायरेक्ट इंटरव्यू, आपका डायरेक्ट एचआर राउंड हो जाता है, आपका इस वाले सिलेक्शन राउंड जीरो के बाद डायरेक्ट राउंड फोर थर्ड में आ जाती है, यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए डायरेक्ट एचआर राउंड हो जाती है। काफी सारी कंपनीज ये करती है एंड काफी सारी कंपनीज ये राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री तीनों चीज करती है, ग्रुप डिस्कशन भी करती है, राइट? ग्रुप जीडी राउंड होता है पहले सभी बच्चों को मिला के, यहाँ पे एक अपोजिशन पार्टी होती है एंड यार यहाँ पे एक उसके इन फेवर में होते हैं, जैसे अदालत में होता है ना, इस प्रकार के ही होता है, ठीक है? तो काफी सारी कंपनी जीडी राउंड होती है एंड काफी मोस्ट प्रोबेबली सारी काफी सारी कंपनी तो जीडी राउंड लेती भी नहीं है, तो डायरेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद ये एचआर राउंड हो जाता है। तो डिपेंड अपॉन यार अलग अलग कोर्स अलग अलग कंपनीज के हिसाब से ये सारी चीजें राउंड होती है। बेसिकली मेन जो स्टेप्स होते हैं वो ये चार स्टेप्स होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में किस प्रकार से ये होता है, राइट? तो अगर आगे की तरफ हम चले तो इसको यार थोड़ा सा रफ कर देते थे एंड यार ये जो चीज़ है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये पीडीएफ पूरी तरीके से, जिससे कि आप बाद में भी कर सकेंगे, राइट? नेक्स्ट चलते कि नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि देर आर फोर क्राइटेरिया कैटेगरीज ऑफ द कंपनीज। अब यहाँ पे कितनी तरीके की कंपनीज आती है, अलग अलग तरीके की, राइट? तो यार यहाँ पे चार तरीके की कंपनीज आती है, जो कि मैंने चार तरीके की इसमें मेजरली यही इसी गैप में होता है, तो मैंने इसमें यही चीज डाली है कि आपका जो ड्रीम कंपनी है, राइट? तो पहली जो होती है, पहला कैटेगरी होता है वो होती है ड्रीम कंपनीज। डिप्लोमा के अंदर यार जो ड्रीम कंपनी होती है वो 4.5 लाख का पैकेज देती है प्लस, कभी कभार ये 4.5 चली जाती है, कभी कभार ये 5 चली जाती है, उससे आगे नहीं जाती है, राइट? तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये ड्रीम कंपनी होती है एंड अंडर अनलेस अगर आपका पास स्किल्स ज्यादा है तो यहाँ पे ये 5 लाख से प्लस भी जा सकते हैं। ये पर एनएम बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पर मंथ की नहीं, राइट? ये पर एनएम का पैकेज है पूरा सभी मिला के। फिर उसके बाद आता है सेकंड टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री। टीयर वन में आपका 3 लाख से 4 लाख के बीच में होता है एंड टीयर टू में आपका 2 लाख से 3 लाख के बीच में होता है। इसी प्रकार से टीयर थ्री आपका 1 से 2 लाख के बीच में होता है। अब भैया एवरेज पैकेज कितना होता है हर एक पॉलिटेक्निक के कोर्स का एंड यार हर एक आपका जो जितनी भी आपके स्टेट की कंपनी है, जितनी भी आपकी स्टेट की पॉलिटेक्निक है ना, सभी स्टेट को मिला के बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, जितनी भी आपका ब्रांचेस को हिसाब से होता है, जो उसका एवरेज प्लेसमेंट का जो होता है सैलरी वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसकी जो एवरेज रेंज होती है वो 2 लाख से 3.5 लाख पर एनएम के हिसाब से होता है। वो डिपेंडिंग अपॉन आपका कंपनीज एंड यार आपका कॉलेज के हिसाब से आपका मैटर करता है, ठीक है? तो ये रफ एस्टिमेट है, कोई गारंटी नहीं है कि ये इतनी होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी रेंज में रहती है, 2 से 3.5 के रेंज में। एंड जो आपकी ड्रीम कंपनीज होती है यार 4.5 लाख का पैकेज वाले, वो बहुत ही रेयर होती है, राइट? ये वाली जो कंपनीज होती है वो बहुत ही रेयर आती है कंपनी में। अगर ये कंपनीज आती है तो यार उसका पीछे पड़ जाना एंड किसी भी तरीके से इसको ग्रैप कर लेना, ठीक है? तो अगर आपकी प्लेसमेंट स्ट्रेटजी वाली अगर वीडियो चाहिए कि किस प्रकार से हमें कहाँ से क्या पढ़ना है एप्टीट्यूड वगैरह, वो तो वो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, तो उसके जिससे ज्यादा लाइक आएगी जिस भी कमेंट में वो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, राइट? तो इसके बाद कुछ सम क्वेश्चन आ जाते हैं यार जो कि आपके माइंड में रहेंगे कि हाउ टू बिल्ड आवर सीवी एंड रिज्यूमे, किस प्रकार से हमें रिज्यूमे बिल्ड करना है। तो यार वही रिज्यूमे अगर कोई तगड़ा बनाना है तो आपको यार एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। अगर आपके इस क्षेत्र से अगर आप सीएस के हो तो आपके जैसे वेब डेवलपमेंट में आपके इंटर्नशिप कर रखी हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके यूएक्स, मतलब आपका आप उसी ब्रांच के हिसाब से आपने कोई इंटर्नशिप करी हो तो वो आप ऐड कर सकते हो। आपने किसी भी सोसाइटी में आपका कुछ आपका इंटरफेयर किया हो कि हमने ये पोजीशन पे थे, राइट? एंड आपका कॉलेज में आपका स्कूल में आपने किसी नेशनल लेवल पे ये स्पोर्ट खेला हो, ठीक है, नेशनल लेवल पे ये स्पोर्ट खेला, मतलब इस प्रकार के जितनी भी आपके अचीवमेंट्स है वो अगर आप सीवी या रिज्यूमे में लिखोगे तो यार उससे आपके रिज्यूमे बेस्ट होती है। अगर रिज्यूमे किस प्रकार से हैविली आप टेम्पलेट के थ्रू अगर आप बनाना है एंड एक मैं एक रफ टेम्पलेट दे दूंगा सभी के लिए एंड उस प्रकार की अगर वीडियो चाहिए कि रिज्यूमे पे कंप्लीट एज अ डिप्लोमा एज अ फ्रेशर मैं मुझे किस प्रकार से रिज्यूमे बनाना है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, उसमें वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है? इसके बाद गुड प्लेसमेंट इन ऑल कॉलेज। देखो यार ये तो जो है ना ये क्वेश्चन सभी काफी सारे जो बच्चे हैं उसके मन में जरूर आता है। देखो गुड प्लेसमेंट इन ऑल कॉलेज ये कोई नेसेसरी नहीं है, गुड प्लेसमेंट कोई चीज नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन वो कंपनीज के होता है। तो गुड प्लेसमेंट आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफ कैंपस के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। एंड बाकी ओवरऑल देखा जाए तो गुड प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी होती है। इसके बाद व्हाट इफ आई गेट बैड कॉलेज या कोर्स, तो यार ये चीज ये जो सेंटेंस है इस तरीके का क्वेश्चन मन में आ जाता है कभी कभार स्टूडेंट का, इसलिए मैंने लिख लिया। एंड ये जो चीज होती है अगर ये मन में आपका आ रहा है तो यार इसे चेंज कर दो, बैड कॉलेज या कोर्स किसी भी नाम का ऐसी कोई चीज नहीं होती है,
ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेंटालिटी पे होती है कि आप किस चीज़ की किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हो, राइट। एंड जिस बच्चे के यार कोर्स अगर आपका अच्छा भी नहीं है तो वो किसी और चीज़ में अगर उसका स्किल्स डेवलप हो जाती है तो वो उस चीज़ में जा सकता है। एंड आपका स्किल्स बेस्ड भी काफ़ी सारी कंपनीज होती है जो हायर पैकेज देती है आपके डिप्लोमा लेवल से ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार की ये सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके माइंड में है, तो अगर ये है तो ये सारी चीज़ें निकाल दो, इस चीज़ का कोई आपका वो नहीं है। एंड ये सारी चीज़ें बकवास है, ये सारे क्वेश्चन नहीं है अच्छी। एंड बाकी अगर रिज्यूमे किस प्रकार से हाईली जो एनर्जेटिक रिज्यूमे होती है वो चाहिए बनाना है तो वो मुझे वीडियो में बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस प्रकार से हमें रिज्यूमे बनाना है। बाकी ये थी सारी जानकारी, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यार कि रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट किस प्रकार से डिप्लोमा में प्लेसमेंट लगती है, प्लेसमेंट इंटर्नशिप क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो इसी के साथ ही हम चलते हैं, समाप्त करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर देना। एंड यार वो जो नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस तरीके को उस वाले बटन को दबा देना जिससे कि अगर इस प्रकार के और भी वीडियोस में डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, राइट। इसी के साथ ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए चलता है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।